Hey everyone, good morning everyone. So welcome back to my channel. मेरा channel नहीं, welcome back to your channel. तो आज वैसे तो ठंडा काफ़ी हो गया है ना, ठंड तो शुरू हो ही गई है थोड़ा थोड़ा. और आज मैं हूँ जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है. आज मैं एक ऐसी जगह में हूँ, उत्तराखंड की ऐसी खूबसूरत जगह में हूँ, जहाँ जिस जगह से ना मैं बचपन में मतलब बहुत एक्साइटेड खुश रहती थी, और आज भी मैं उतनी खुश रहती हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं क्योंकि मेरे नानी नाना नहीं हैं और मैं अपने नानी नाना को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ. और अभी मैं कहाँ आई हूँ मुझे आपको ये भी बताना है. और जो लोगों की डेस्टिनेशन वाली जगह होती है, जो लोगों की डेस्टिनेशन प्लेस होती है, वो हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल होता है. और हम यहाँ पे रहते हैं तो यार आई थिंक आई एम वेरी वेरी लकी बिकॉज आई बिलोंग टू दिस ब्यूटिफुल प्लेस एंड आई वांट टू शो यू दिस. लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर. ओके, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा ना, पहाड़ ही पहाड़ है हर जगह. मैं जब सुबह सुबह उठी ना, आज मैंने सोचा मैं सबसे पहले उठूँगी, और जो कि मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि मेरी मौसी तो सुबह उठ जाती है 4-5 बजे, उसके बाद लगी रहती है. कुछ काम नहीं भी होगा ना, वो तब भी लगे ही रहेंगे, गाँव के लोग ऐसे होते हैं. ठीक है, बात ये नहीं, बात ये है कि गाँव के सारे लोग दे हैव एवरीथिंग, यू नो, उनके पास लैंड है, उनके पास पैसा है, उनके पास सब कुछ है, बट स्टिल दे वॉन्ट टू लिव देयर लाइफ वेरी सिंपल. उनको अपनी लाइफ को ना बहुत ही सिंपल तरीके से जीना होता है, और ज़्यादा कुछ वरीज की ज़रूरत नहीं होती. हमारे पहाड़ की बात ना यही है कि पहाड़ में मतलब सबको ना सुकून चाहिए, चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो, कुछ हो, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं होता. उनको मतलब होता है तो सुकून से, मतलब उनके बच्चे खुश रहे, वो खुश रहें, और ज़्यादा कुछ लफड़ों में वो पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि ये खासियत है यहाँ की. इनको अपनी वादियों से प्यार होता है, इनको अपने घर से प्यार होता है, इनको बस अपने काम से प्यार होता है, वो काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, डजंट मैटर. और आप देखो ना, यहाँ पे सुबह सुबह उठ करते हैं लोग, मतलब लुक एट इट आंटी, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं. हाँ, लुक एट देम, ये जो दूर दूर दिख रहे हैं आपको, और इधर भी कर रहे हैं कुछ, मैं आपको इधर के साइड से दिखाती हूँ. लुक एट देम. ऑल आर बिजी, ऑल आर सुपर बिजी इन देयर वर्क. ये जो गांव का काम होता है, एवरीवन इज बिजी, कैन यू सी. और मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी ये काम कर रहे हैं ना, ये सारे गवर्नमेंट जॉब वाले होंगे, सारे जितने भी हमारे गांव में ये काम कर रहे हैं ना, ये सारे गवर्नमेंट जॉब वाले होंगे. ये सारे अच्छी अच्छी पोस्ट में होते हैं, पता है, सबके सब. वो फिर भी उनको पसंद आता है कि हम ये काम करें. एंड आपको पता है, मेरे लिए तो डैट इंसान इज़ बहुत ऊपर, जो सारा काम भी करे, घर का काम भी करे, उसको खेतों का काम भी आए. मुझे नहीं आता, वो बात अलग है क्योंकि हमारे वहाँ पे है नहीं. बट मैंने मौसी को बोला है कि मौसी, आई वांट टू लर्न एवरीथिंग, मुझे किसी चीज़ में पीछे नहीं रहना, तो मुझे आप खेत का काम सबको सिखाओ. एंड मतलब मुझे वो इंसान सबसे ज़्यादा पसंद है यार, जो ना जिसको शर्म नहीं आती कुछ काम करने से. आई मीन, अगर तुम अपनी दादी को रोड क्रॉस करा रहे हो तो तुम करा रहे हो ना, तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो. बट सम पीपल फील अशेम कि यार हम क्यों कर रहे हैं ये सब, क्या कर रहे हैं, लोग हम पे हंसेंगे. क्यों हंसेंगे भाई, यू आर फॉलोइंग द कल्चर, यू आर फॉलोइंग संस्कृति, तुम हमारी संस्कृति को मेंटेन रख रहे हो, तो तुम्हें किस बात की शर्म है ना. किसी का घर अच्छा नहीं होता है और दे पीपल लाइक फील वेरी सैड कि यार घर ये नहीं है वो नहीं. अरे एटलीस्ट तुम्हारे सर पे छत है भाई, उनसे पूछो यार, जो रोड में रहते हैं बेचारे साइड में, जो पैसे मांगते हैं, मतलब कितने भाग्यशाली हैं हम कि हमारे पास सब कुछ है.
यू हैव एवरीथिंग पता है. सो नेवर फील अशेम. व्हाई यू फीलिंग अशेम ऑफ नॉट हैविंग समथिंग? क्योंकि समथिंग समथिंग तो सब में होता है, बट एवरीथिंग किसी में नहीं होता है ना. तो यही चीज़ है. और आजकल मैं उत्तरकाशी आई हूँ. जगह का नाम तो मैंने आपको बताया ही नहीं. सो दिस ब्यूटिफुल प्लेस इज़ उत्तरकाशी. एंड बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत. आप खुद देखो ना कितना मज़ा आ रहा है. सुबह सुबह उठी मैं सुबह सुबह उठी और उसके बाद मैंने बाहर आई तो मैंने बाहर देखा यार ग्रीनरी हर जगह. ऐसे मुझे जाएंगे, अभी काफ़ी सारा वर्क पेंडिंग है, वो वर्क आराम से चलता रहेगा. लेट्स गो डाउन. यहाँ भैया का रूम है, यहाँ से नहीं हम यहाँ गली के पीछे से जाएंगे. सो लेट्स गो टुगेदर. तो ये है साइड वाला पोर्शन, ये अभी काम चल रहा है पे, कंस्ट्रक्शन का वर्क. ये है. सो दिस इज़ द डोर एंड दिस इज़ द व्यू. सो दिस इज़ द हाउस. एंड और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने भैया को बोला भैया यू कैन यूज़ दिस पीस ऑफ वुड. ये जो वुड है ना आप देख रहे हो, मैंने उनको बोला कि भैया आप इस वुड को ना कुछ अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, इसमें कलर करके, एंड इसको हम एक स्टूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. फिर मैंने बोला कि तो ये अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी बहुत काम है यहाँ पर. मैंने फिर से बोला, मैंने कहा ये है जो, इसको भी आप बना सकते हो स्टूल के लिए. कैन यू सी ये पुराने, ये हम थोड़ा सा ओल्ड लुक, एक नॉस्टैल्जिक लुक टाइप बना सकते हैं. और बाकी ये मौसी ने पता नहीं कल क्या किया, इससे कुछ दालें वगैरह निकाली, पता नहीं सॉर्ट ऑफ थिंग्स. और बाकी ये सब था. ये देखो ये मौसी ने ये सारा कर रखा है. ये सारा ये लैंड मौसी का ही है, इधर उधर जितना भी दिख रहा है आपको. एंड ये कुछ लगा रखे हैं प्लांट्स यहाँ पे. ये जो घर है मौसी का घर है, ये अच्छी जगह में तो है, बट थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो ये रिस्क में भी है. क्योंकि नहीं वैसे काफ़ी दूर है, नीचे गंगा तो काफ़ी दूर है, तो गंगा मैया ऐसे ऊपर आ तो नहीं सकती. लेकिन एक बात बोल रही हूँ ना कि ये कट कट के कभी कभी ऐसा होता है, बट ऐसा कुछ है नहीं. तो हम लोग भाई बहुत रिस्क में रहते हैं यार, ऐसे मत सोचना कि हम व्यू के लिए रहते हैं, हमें हर चीज़ देखनी होती है. तो आप देख सकते हो वाली रोड वो जो ऊपर है, तो दैट इज़ वेरी रिस्की रोड. और उसकी जो नीचे है ना, उसके नीचे देखो, उसके आप नीचे देखो वो रोड है. और वो तो ये बहुत रिस्की चीज़ें हैं. बाकी यार ये देखो, ये सुबह सुबह काम करता है ना तो बड़ा मज़ा आता है. मतलब कैसे ना, इतना काम कैसे. हम लोग जाएंगे कल मंडे है. एंड तो मैंने सोचा संडे को आज तुम्हारे लिए इतनी अच्छी सी वीडियो बना लूँ यार, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कुछ कर दो, ज़रा अच्छे से कुछ धमाल मचाओ कभी. बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके. क्योंकि मैं पहाड़ को एक्सप्लोर करती हूँ, मंदिरों में जाती हूँ, काफ़ी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम तो इतनी नहीं हो पाती, बट मैं जब कोशिश करती हूँ तब हो पाती. तो जब आप जुड़े रहोगे तभी आपको सब चीज़ें देखने को मिलेगी. सो तब तक हम चलते हैं. मेरी मौसी मेरे लिए चाय बना रही है तो मैं चाय पीने जा रही हूँ. बाकी आप लोग ध्यान रखो और स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. और निर्वाणिया व्लॉग आपका ही व्लॉग है, मेरा कुछ व्लॉग नहीं है. ये जो वीडियोज़ है ये आपके लिए ही डलती है. तो प्लीज़ इस वीडियो को ना हमेशा ऐसा रखना कि वीडियो मेंटेन रहे, और वीडियो मेंटेन तभी रहेगी जब आप लोग मेरे से जुड़े हुए रहोगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल निर्वाणिया व्लॉग. बाय बाय.